रामनवमी पर आर सियासी प्रहार। वोटिंग से पहले रामनवमी दंगे पर बयानबाजी। लोकसभा की लड़ाई रामनवमी पर आई। 2024 का दंगल राम के नाम पर खेला। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। और रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা, 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে, করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। वैसे बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास रहा है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। इधर ममता ने चुनाव से एन पहले रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर की, तो उधर बीजेपी ने तुरंत ममता सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता ने दंगे की आशंका सार्वजनिक तौर पर जताकर कुछ लोगों को 17 अप्रैल की तैयारी का गुप्त संदेश दिया। पिछले साल जहाँ जहाँ पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहाँ जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, रायट हो, ये उनका एक गुप्त मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम की लहर चल पड़ी। विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। खास बात यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बीच ममता के रामनवमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं, परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी पुष्कर की रैली में रामनवमी का जिक्र किया और रामनवमी का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं, हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। फिलहाल जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे सियासी माहौल में बीजेपी ने ममता की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।